मैं पंकज भट्ट हूं, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। विभत्स घटना पर मैं आधारित आज आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि आम जनता की राय और पंचायत प्रतिनिधियों की राय, बेगूसराय की राय क्या हो रही है अलीगढ़ की विभत्स घटना पे। मैं बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उसे गुड़िया शब्द से संबोधित कर रहा हूं। आप ये इतना जानिए कि 2.5 साल की बच्ची का क्या कोई धर्म होता है, कोई संप्रदाय होता है? 2.5 साल की बच्ची का कोई इंसानियत से कोई नाता नहीं होता। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना जो देश को झकझोर रही है, दुनिया में देश का नाम शर्मिंदगी से उठाना पड़ रहा है। क्या ऐसा ही देश लोग चाह रहे हैं? क्या देश के धर्म निरपेक्ष लोग क्यों चुप बैठे हैं? कई संस्थाएं कार्य कर रही है पूरे देश में, क्या वह संस्था उस गुड़िया के पक्ष में क्यों नहीं मोमबत्तियां जला करके कैंडल मार्च निकाल रही हैं? हम जानना चाहते हैं कि आसिफा के मुद्दे पे तो बहुत हंगामा कर लिए, आज इस गुड़िया को इंसाफ कौन दिलाएगा? बोलिए। पूरे समाज दिलाएगा, पूरा भारत समाज दिखाएगा। एक नन्ही सी बच्ची को विभत्स रूप से मारा गया, अमानवीय व्यवहार किया गया, ऐसा एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? इस चीज को सुलझाया जाए, बढ़िया देखा जाए, हर पंचायत, हर जिला पूरे में देखा जाए, बढ़िया सोच समझ करें। इस तरह की घटना होनी चाहिए? क्या कोई धर्म ऐसा सिखाता है? नहीं होना चाहिए, ऐसा समझौता होना चाहिए, ऐसा काम अच्छा सच्चा होना चाहिए। बच्चा कोई ये है क्या? 2.5 साल की बच्ची के साथ हुआ है, गलत हुआ है। अलीगढ़ में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गलत तो गलत होता है, बहुत बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। देखिए, इसमें धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए इसको। देखिए, गलत होता है, इसको धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, ये हम कह सकते हैं। 2.5 साल की बच्ची तो सभी धर्मों में हो सकती है। वही तो बात है, उसे तो धर्म का ABCD पता नहीं होता। गलत होता है वो, तो गलत हुआ ना, कोई भी धर्म हो, जिसने किया है उसको किस तरह की सजा आप देना चाहेंगे? कड़ी सजा होना चाहिए। अगर आपके सामने उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो क्या करेंगे? जो संभव हो सकता है वो कर सकते थे, जो भी हो सकता है उसके लिए करेंगे। उस बच्ची के साथ खड़े हैं अभी आप, उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं। पूरे बेगूसराय का एक लौता पंचायत जहां पे एक विशेष संप्रदाय के लोगों की बहुतायत मात्रा में संख्या है यहां पे, और उस पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि जो जिनके हाथ में है वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। हम जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं अलीगढ़ की इस नृशंस बालिका हत्याकांड। अलीगढ़ में जो भी घटना हुआ है यह बहुत ही बहुत ही गलत घटना हुआ है। इसमें जो है उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए, जो ऐसा घटना किया है उसको डायरेक्ट फांसी दिया जाए। ऐसे भी तो सरकार ने कहा था कि जो अवयस्क बच्चे होंगे अगर उनके साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, तो फिर देरी क्यों, पुलिस प्रशासन ने देरी क्यों किया? नहीं, इसमें तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जो हम लोग का संविधान है, संविधान के अनुसार जो कानून है उसके अनुसार ये सब चलता है और करना चाहिए। और यह घटना तो बहुत ही निंदनीय है, एकदम बहुत ही अपराध है, बहुत ही बुरा है। ऐसा तो एक 2.5 साल की बच्ची को जिंदा अवस्था में उसके सर के बाल तक खींच लिए गए, उसके आंख को निकाल लिया गया, उसके साथ रेप किया गया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो बहुत ही गलत है, किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, ये बहुत ही जितना भी कहा जाए यह बहुत ही बुरा अपराध हुआ है। इसमें तो कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको तो डायरेक्ट जो है आरोप सिद्ध करके उसको डायरेक्ट फांसी दे दिया जाए, जो वह बच्ची के साथ वह घटना किया है। अलीगढ़ की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ की घटना पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से जन आक्रोश को पैदा किया है, बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना हिंदू लड़की के साथ जो घटित किया गया है, यह जानकारी के अनुसार मोहम्मदन लड़का के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है।
इसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। इसकी निंदा करने के लिए लगता है हमें हिंदुस्तान के संविधान में भी शब्द कम पड़ जाएगा। अगर आपके सामने आरोपी को खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हमारे सामने अगर आरोपी को खड़ा कर दिया जाए तो हम पूरे समूह बनाकर चाहेंगे कि बीच चौराहे पर उसको जिंदा जला दिया जाए। जब आसिफा की मौत होती है तो बहुत सारे सेकुलरिज्म की नाटक करने वाले नेता, सेकुलरिज्म की नाटक करने वाली संस्थाएं, सेकुलरिज्म की नाटक करने वाली मीडिया से रिलेटेड जर्नलिस्ट बंधु भी काफी भौंकते हैं। आज इस घटना पे चुप क्यों है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने वोट की राजनीति करने के लिए। क्या 2.5 साल की बच्ची का कोई धर्म से कोई नाता हो सकता है? क्या 2.5 साल की बच्ची का किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है? 2.5 साल की बच्ची सबके लिए बच्ची है। इस बच्ची के साथ किसी का दुश्मनी तो नहीं होना चाहिए। यह तो दरिंदों ने अपने स्वार्थी के लिए हवस का शिकार किया गया है। आप उनको कैसी सजा दिलवाना चाहते हैं? सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। अगर इसको फांसी भी हो जाए तब भी